तो भैया ये है वाकया आज सुबह का, जब हम लोग ऑलमोस्ट ईरान में अरेस्ट हो गए थे, लेकिन फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक गैब से मदद आई और एक नहायत अच्छा बंदा ईरानी जो है वो आया, उसने हमारे लिए थोड़ी आसानी पैदा की और हम लोग बाल बाल बचकर आज हम लोग मौजूद हैं अपने होटल में तेहरान में। और अभी बस आके हम थोड़ा सा फ्रेशन अप हुए, यहाँ पे सुस्ताया है और थोड़ी सी जान में जान आई है, क्योंकि जो हमारे साथ अभी लास्ट दो तीन दिनों में हुआ है वो नहायत फ्रस्ट्रेटिंग था, बहुत अनोइंग था, बहुत गुस्सा दिलाने वाली चीज थी। क्योंकि एक तो हम लोग काम कर रहे थे मुस्तकिल, भागम दौड़ कभी इधर से उधर, और उसके साथ फिल्मिंग कर रहे थे जाहिर है, और फिल्मिंग आपको पता है इतना आसान काम नहीं होता नए मुल्क में जाके। ऊपर से हम लोग थे मस्जिद में जहाँ पे हजरत इमाम रजा का श्राइन है, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं टैक्सी में और हम लोग जा रहे हैं मस्जिद एयरपोर्ट। तो अब वापस जाने का वक्त आ गया है, मस्जिद में हमने तकरीबन दो दिन गुजारे और फ्लाइट ले रहे हैं हम लोग तेहरान के लिए वापस, और इसके बाद फिर हमारा जो बाकी का सफ़र है वो शुरू होगा। तो काफ़ी मसले मसाइल से गुजरे हैं आज सुबह और कल रात। एक तो सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि जिस होटल में हम लोग ठहरे हुए थे, कियाना होटल उसका नाम था, वहाँ पे उन्होंने इनाया के पैसे हमसे चार्ज किए जो कि तकरीबन 20-22 डॉलर्स बनते हैं दो रातों के लिए। किसी होटल ने हमसे इनाया के पैसे चार्ज नहीं किए थे, लेकिन भाई ये कह रहे थे कि हमारी पॉलिसी होटल की है कि 3 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं उनके हम चार्ज करते हैं। तो अब देखते हैं कि बाकी ईरान में जो हम जाते हैं कोम वोम इधर उधर, वहाँ पे वो चार्ज करते हैं बच्चे के पैसे या नहीं। अच्छा, ये चीज़ पहले नहीं बताई, काफ़ी वो ग्रे एरिया है, इन्होंने पहले मेंशन करना चाहिए था, क्योंकि हमने दो लोगों के पैसे दिए थे और फिर उसके अलावा ये तो चले 20-22 डॉलर इतने ज़्यादा नहीं बनते। और सुबह का टाइम है, 5 बज रहे हैं यहाँ पर, और उनके पास जो है वो एक्सचेंज करने के लिए पैसे भी नहीं थे। तो हमने तकरीबन उनको 5 मिलियन दिए थे, टोटल बने थे हमारे 10 या 11 मिलियन, और फिर हमने उनसे कहा कि मैं आपको $50 का नोट दे देता हूँ, आप एक्सचेंज कर दें, जितने भी बनेंगे मैं आपको दे दूँगा, बाकी मैं रख लूँगा। तो कहने लगे मैं अभी एक्सचेंज कर नहीं सकता, मेरे पास है नहीं, यहाँ पे अकाउंट जो है वो बंद हो चुके हैं, वो सुबह 9 बजे के बाद खुलते हैं। तो ये थोड़ा सा मसला हुआ, हमें जल्दी टैक्सी में बैठना था, हमारी फ़्लाइट जो है तकरीबन आधे घंटे में। इसके अलावा फिर तेहरान पहुँच के आप लोगों को जब जिस होटल में रुकेंगे उसका भी थोड़ा सा बताएंगे, बड़ा अच्छा है फिरदौसी ग्रैंड इंटरनेशनल होटल में हम लोग ठहरने वाले हैं और बहुत तारीफ़ें सुनी है मैंने उस होटल के बारे में, तो वो सब भी बताएंगे। लेकिन शुरुआत जो है वो थोड़ी सी आज जो है ना वो अजीब और गरीब नोट की हुई है। 15 मिनट रह गए हैं हमारी फ़्लाइट में एंड वी स्टिल आउटसाइड। मुझे लग रहा है पहली फ़्लाइट होगी जो हम मिस करेंगे अपने पूरे अब तक के इंटरनेशनल सफ़र में, लेकिन देखते हैं किस्मत आजमा लेते हैं शायद मिल जाए। प्रेम का डोमेस्टिक टर्मिनल के सामने इतनी प्यारी मस्जिद है, इट इज स्टनिंग। मिल गई टिकट, लेट्स रन, यहाँ से भागना पड़ेगा, लेट्स गो। मतलब अब तक का जितना भी हमने सफ़र किया, अब तक जितना भी हमने ट्रैवल किया है, किसी कंट्री में इतना बुरा सिक्योरिटी चेक भी नहीं हुआ। तो मेरा तो लाइक लिटरली द वर्स्ट सिक्योरिटी चेक ऑफ माई लाइफ, हमने कितने मुल्क किए हैं पर इतना बुरा सिक्योरिटी चेक मेरा कभी नहीं हुआ। यूजली इनाया मेरे साथ होती है सो इट्स लाइक अ लिटिल बिट ईजियर आई थिंक, लेकिन इधर तो मतलब फुल बुरी सिचुएशन हो गई थी, बिकॉज जो लड़की चेक कर रही थी उसने सारे पर्स खोल लिए, लाइक उसने मेरा हैंड बैग, मेरा शोल्डर क्रॉस शोल्डर बैग, इनाया का छोटा पर्स मेरे साथ था वो भी खोल लिया, लाइक वो इस स्टेज तक पहुँच गया, शी गॉट लाइक अ बॉटल ऑफ जूस फ्रॉम इनाया बैग एंड वो मुझे कह रही है इसको पियो एंड आई एम जस्ट लाइक नो, और वो कह रही है कि मैं इसको लाइक आई सेड थ्रो इट अवे और वो फेंक भी नहीं रही, अजीब बुरी सिचुएशन। एंड शी टुक आउट ऑल ऑफ माई कैमराज, माई फोन एंड लाइक लैंग्वेज बैरियर बहुत बुरा था। एंड फिर क्या हुआ, मेरा पासपोर्ट और कैमरा, यही वाला कैमरा, दे टुक इट एंड इट लाइक डिसअपीयर्ड बेसिकली, और वो बेसिकली मेंस की साइड पे तानी को दे दिया था उन्होंने एंड आई केप्ट बीइंग लाइक वेयर इज माई पासपोर्ट, वेयर इज माई कैमरा, इट वॉज जस्ट लाइक I don't know. It was really horrifying, to be honest. मतलब मुझे आइडिया नहीं हो रहा था क्योंकि इंतजार ने तकरीबन अंदर 15-20 मिनट गुजारे हैं जहाँ पे मेन औरतों का, उन्होंने अच्छा यहाँ पे लेडीज और जेंट्स का अलग बना हुआ है,
तो 20 मिनट इसने अंदर ही रही है सिक्योरिटी चेक में। अब मैं मुझे ये लग रहा है कि यार हो सकता है इंतजार जो है यहाँ से गुजर गई हो और नीचे गेट पे चली गई हो, क्योंकि मैं अभी निकला हूँ तो हो सकता है इसका तो जल्दी हो गया होगा। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तो मैं आगे पीछे वहां चक्कर लगा रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि यार क्या करूं, नाम भी 2-3 दफा कॉल हो चुका है। तो मैंने ऐसी बस वहां पे ऊपर से उसकी कोई छत नहीं थी, तो मैंने ऐसी चेक करने के लिए कि हो सकता है इंतजार अंदर हो, तो मैंने आवाज दी इंतजार यार कहां हो, तो अंदर से इसकी आवाज आई यार यहाँ मसला हो गया, ये बार बार हर चीज चेक कर रहे हैं, कैमरा लेके चले गए, पासपोर्ट लेके चले गए, पूरा बैग का सामान जो उन्होंने ट्रे में डाल दिया है, तो अभी मुझे टाइम लगेगा। तो खैर मैं अराउंड गया उसके जहां पे वो मेन गेट था जहां से औरतें अंदर एंटर होती हैं, फिर वहां पे जो है वो आंटी बाहर आई जो चेक कर रही थी, उन्होंने एक ट्रे मुझे हाथ में पकड़ा दी जिसके अंदर कैमरा था और जिसमें इम्तिसाल का पासपोर्ट था खाली, मेरा पासपोर्ट इनाया का पासपोर्ट नहीं था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, और वहां पे एक पुलिस ऑफिसर खड़ा हुआ है लंबा चौड़ा सा, तो वो मुझे लेके साइड में गया, वो मुझसे कुछ अरबी में या पर्शियन में कुछ बात कर रहा है। अब मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि वो मुझसे क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि जाहिर है तो लैंग्वेज बैरियर बहुत है, मैं उससे इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, वो मुझसे फारसी में बात कर रहा है। फिर इतने में उसने क्या किया कि उसने एक और पुलिस ऑफिसर को बुलाया जो थोड़ी बहुत जानता था इंग्लिश, टूटी फूटी बोल लेता था, तो उसने फिर उससे कहा कि इसने जो है कोई वीडियो बनाई है स्टाफ मेंबर की, यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी। तो मैंने बोला नहीं भाई, हम किसी की वीडियो नहीं बनाते सिवाय अपनी वीडियो के, हम लोग सिर्फ अपनी वीडियो बनाते हैं, अपना सामान जो कन्वेयर बेल्ट में डाल रहे होते हैं उसकी वीडियो बनाते हैं, ताकि वो शॉर्ट्स जो है वो कनेक्ट हो सके दूसरे क्लिप्स के साथ और वो एक वीडियो जो है बन जाए। तो कहने लगा नहीं तुमने हमारे स्टाफ की बनाई है, यहाँ पे कैमरास लगे हुए, उन्होंने देखा है। मैं बोला तुम दिखा दो, अगर मैंने बनाई है कैमरे के अंदर ही होगी वो वीडियो, और तो कहीं नहीं जाएगी। कहने लगा नहीं तुम खोल के दिखाओ फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैंने वीडियो जो मतलब हमारा पूरा जो डेटा था वो सारा उसको दिखाया खोल के कैमरे के अंदर, वो देखे जा रहा है कुछ उसको मिला नहीं इस तरह का। एक दोस्त को क्लिप्स मिले जिसमें हमने खाली सामान जो कन्वेयर बेल्ट में रखते हुए हमने अपनी वीडियो बनाई थी वो है, किसी स्टाफ मेंबर की कोई वीडियो नहीं थी उसमें। तो कहने लगा ये है लेकिन इसमें स्टाफ मेंबर भी था। मैंने बोला नहीं अगर था तो नहीं ना, क्योंकि हम तो खाली कन्वेयर बेल्ट की बना रहे हैं। तो खैर फिर इतने में अल्लाह ताला की तरफ से ये हुआ, अच्छा ये मामला जो है ये तकरीबन 15-20 मिनट चला, नाम हमारे कॉल हो रहे थे लेकिन फ्लाइट हमारी वजह से जो है वो डिलेड हुई है आधा पौन घंटा, क्योंकि हम लोग लास्ट पैसेंजर्स थे। हत्ता कि उन्होंने ये तक कह दिया था कि यहाँ पे जो है तुम लोगों को इंटेरोगेशन रूम में पहले लेके जाएंगे, सीनियर ऑफिसर आएंगे और वो तुम्हें फिर आगे देखेंगे कहाँ लेके जाना क्या करना है। तो यहाँ तक बात पहुंच गई थी कि वो हमें मेरे ख्याल से पक्का पुलिस स्टेशन लेके जाते और वहां पे वो जाके चेक वेक करते कि हमारे पास क्या सामान है, क्योंकि हम मशहद से तेहरान जा रहे हैं तो उनको ये शक हो रहा था कि हमने यहाँ पे कोई फिल्मिंग की है, जबकि हमने मशहद में पहले से हम लोग प्रिपेयर थे, हम कैमरा होटल में छोड़ के जाते थे, सिर्फ फोन से आप बना सकते हो जितने भी यहाँ पे होली श्राइन्स हैं, आप वहां सिर्फ और सिर्फ फोन यूज कर सकते हैं, इवन आप अपना GoPro भी यूज नहीं कर सकते। और हमने यही सब कुछ किया, जब आप वीडियोस देखेंगे मशहद की और ये सारी जगहों की तो आपको पता चल जाएगा वाजह तौर पे कि ये कैमरे से नहीं बनी हुई, ये फोन से बनी हुई है। तो इतना सब कुछ जब आप कर रहे होते हो और इतने प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे होते हो तो फिर आप थोड़ा सा शेकन अप होते हो जब इस तरह से कोई आप पे इल्जाम लगाए कि नहीं आपने कुछ ये किया आपने कुछ वो किया। खैर ये ईरान में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, बहुत टाइट है, बहुत स्ट्रिक्ट है। तो इतने में अल्लाह ताला की तरफ से गैब से मदद हुई, एक ईरानी जो है उसने ये पूरा देख लिया कि यार ये यहाँ पे मामला हो रहा है, तो वो आया उसने फिर अपनी टांग अड़ाई, उसने कहा कि यार ये तुम लोग क्या कर रहे हो, उनको क्यों तंग कर रहे हो, ये तो हर जगह यूट्यूब पे वीडियोस लोग बनाते हैं, सऊदीया और बाहर के मुल्कों में यूरोप में बहुत आम है, ये तो अपनी वीडियो बना रहे हैं, तुम्हारी वीडियो क्यों बनाएंगे यहाँ पे आके। तो फिर वो थोड़ा सा ना मतलब उनको थोड़ा सा ये हुआ कि नहीं यार ये अपनी फिल्मिंग कर रहे हैं, और इवन मैंने अपना उनको यूट्यूब चैनल खोल के दिखा दिया कि भाई ये देखें हमारा पूरा पोर्टफोलियो है, हम लोग इस तरह से वीडियोस बनाते हैं, पूरी दुनिया भर में फिरते हैं और जहां जहां होता है हम अपनी फिल्मिंग करते हैं इस तरह से। तो उस पर पुलिस ऑफिसर कहने लगा कि तुम्हारे पास यूट्यूब कैसे, यूट्यूब ईरान में बैन है, ईरान में यूट्यूब वाकई में बैन है, इस तरह की काफी एप्लीकेशन बैन है और आप वो सिर्फ VPN के थ्रू यूज कर सकते हो, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू। और मजे की बात यह कि वही जो पुलिस ऑफिसर है उससे पहले वो यूट्यूब पे कुछ देख रहा था और मैंने उसके फोन पे उसको देखा था यूट्यूब पे कुछ देखते हुए, कहने लगा यूट्यूब तो बैन है। खैर वो बात फिर रफा दफा हो गई क्योंकि उस बंदे ने कहा कि तुम भी तो यूज करते हो यहाँ पे, तो हर कोई यूट्यूब यूज करता है VPN पे। तो फिर वो हंसा, खैर वो असल में आप पे थोड़ा सा हावी होने की कोशिश करते हैं आपको डरा के, चेक करने के लिए कि यार आप हिलते हो यानी आप मतलब अपना आपको टेम्पर जो है ना वो बिल्कुल कंट्रोल रखना होता है। तो खैर मैंने यही किया, मैं शुरू वक्त से जो है हंस रहा था और मेरे चेहरे पे वो हंसी थी, मुस्कुराहट थी, तो मैं उससे ये कह रहा था कि ब्रदर कुछ भी नहीं है तुम देख लो। खैर उसको कुछ मिला नहीं और फिर वहां पे अल्लाह ताला ने उनके दिलों में थोड़ा सा रहम डाला और इतने में इम्तिसाल भी आ गए, इम्तिसाल ने पूछा कि क्या हो रहा है, मैंने फिर उसको पूरा बताया कि इस तरह से उनको लग रहा है कि हमने कोई वीडियो बनाई है। खैर उनको कोई वीडियो नहीं मिली, आखिर में वो जो एक कन्वेयर बेल्ट थी जिसमें सूटकेस हमारा इधर से उधर जा रहा था वो उन्होंने डिलीट करवाई क्योंकि कुछ तो करवाना था उन्हें। तो खैर ये सारा किस्सा और ये सारा वाकया सुनाने की जो मेन बुनियादी वजह ये है
कि अगर आप लोग ईरान आ रहे हैं आप लोगों को केयरफुल रहने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे इस तरह की चीजें होंगी और ये बहुत जस्टिफाइबल भी है इसलिए क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शन इतनी लगी हैं, पाबंदियां इतनी लगी हैं कि ये सारी चीजें यहाँ पे इन लोगों के लिए फॉरेनर्स और टूरिस्ट इतना आम नहीं है देखना. But I think like that doesn't mean anything because ये छोटी सी चीज है बट जो अच्छी चीज है ईरान की that we have fallen in love with बिल्कुल बिल्कुल are like way 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 more और इसीलिए ईरान हमारी like टॉप कंट्रीज में मुझे जितनी दफा मौका मिलेगा मेरे ख्याल से मैं ईरान वापस आऊंगा और मैं आऊंगा फिर से अब इंशाल्लाह सर्दियों में आऊंगा. लेकिन ये सारी चीजों के बारे में हमें पहले से पता था, हमें पता था कि ये सब कुछ होगा यहाँ पे. इतना आसान से आप कैमरा लेके यहाँ पे मूव अराउंड नहीं कर सकते, कैमरे को एक बहुत मायूस सी चीज समझा जाता है ईरान में. लेकिन यहाँ के लोग मेहमान नवाज, बहुत फ्रेंडली, आपकी हेल्प करने के लिए वो हर हद तक जाएंगे. हद तक हमारे साथ अभी कल रात में ये हुआ कि हमें एक होटल से खाना लेना था, वहां गए, 7 मिलियन का हमारा बिल बना, 5 मिलियन हमारे पास ईरानी रियाल थे लेकिन 2 मिलियन कम थे और हमारे पास 50 USD का नोट था. तो हमने उससे कहा कि आप ऐसा करो 50 USD में से जितने भी बनते हैं 7 मिलियन वो रखो, बाकी जो चेंज है वो हमें वापस कर दो. तो कहने लगा नहीं नहीं ब्रदर कोई मसला नहीं है, तुम खाली हमें 5 मिलियन दो, टेक इट एज अ गिफ्ट, तुम लोगों का ये तोहफा है, तुम लोग हमारे मेहमान हो, तुम लोगों को कोई मजीद पैसे देने की जरूरत नहीं है. अब हम हैरान, कहीं हमारे साथ इस तरह से नहीं हुआ. तो हमने सामने एक ग्रोसरी स्टोर बना था, हमने वहां जाके चेक किया कि हो सकता है यार ये चेंज दे दे हमें, $50 को हम तोड़वा लेते हैं, जो पैसे उसमें से आएंगे उसमें से 2 मिलियन उसको दे देंगे, हमारा बिल जो है वहां से क्लियर हो जाएगा. लेकिन वो बंदे ने किया नहीं. वो इसलिए यहाँ पे एक सबसे बड़ा मसला ये है कि काफी लोग जो है वो जाली नोट भी यूज करते हैं USD या ये जो डिफरेंट करेंसी के होते हैं, तो इसलिए जाहिर उनके पास कोई चेक करने की कोई चीज नहीं होती, मशीन नहीं होती, तो इसलिए भी वो थोड़ा सा कतराते हैं कि यार इस तरह से हम किसी से ना लें. खैर अभी हमें इतना अरसा हुआ भी नहीं है ईरान आए हुए, लेकिन ये सारे हमारे साथ यहाँ पे वाकयात हो चुके हैं. लोग इतने अच्छे हैं, मिलनसार हैं, बहुत बहुत फ्रेंडली लोग हैं. That sums up our experience. लेकिन इंशाल्लाह आई नो आगे जाते जाते बहुत और अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे. सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, कॉमेंट जरूर करें. लेकिन इस सबसे पहले अगर आप लोग ईरान आ रहे हैं तो जरूर याद रखियेगा कि आप लोग यहाँ पे इस तरह की चीजें हो सकती है. अगर आप लोग अपने साथ कैमरा या इस तरह की कोई चीज ला रहे हैं तो आप लोगों को जज्बाती नहीं होना, आप लोगों को गुस्से में नहीं आना जल्दी, वरना अगर आप गुस्से में उनके सामने उनके मुल्क में आ गए तो फिर चीजें जो है वो बिगड़ सकती हैं. बिल्कुल कंपोज रहना है, बिल्कुल काम रहना है और चीजें जो है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी. लोग बहुत अच्छे हैं, कुछ जगहों पे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स आपको चेक करने के लिए इस तरह से चीजें करते हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल गुस्से में नहीं आना. ईरान मैं फिर से आ रहा हूँ क्योंकि ईरान की जो एनर्जी, ईरान की जो वाइब है, मेरे ख्याल से अब तक हमने जितने भी मुल्क घूमे, 11 कंट्रीज हमने विजिट की हैं, ईरान आराम से इजीली टॉप करता है लिस्ट को. मैं हमेशा थोड़ा सा मुश्किल में रहता था, मुझे समझ नहीं आता था जब मुझसे कोई पूछता था यार तुम लोग इतने मुल्क घूम चुके हो सबसे फेवरेट कंट्री कौन सी है. अब अगर कोई पूछेगा मैं बिला झिझक मैं बता दूंगा कि ईरान है भाई. ईरान से अच्छा मुल्क अभी तक हमने कोई नहीं एक्सप्लोर किया. यहाँ की एनर्जी, यहाँ की हवा में जो है ना वो अपनाइयत, प्यार, वो खुलूस, वो ये सारी चीजें हैं. तो ईरान हम लोग फिर से आ रहे हैं, लेकिन अभी अभी के लिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं कोम, क्योंकि हमें जाहिर है कोम जाके फातिमा मासूमा का जो श्राइन है वो भी विजिट करना है. और ऊपर से हम लोग थके हुए इतने थे कि हमें रेस्ट करने का मौका भी नहीं मिला, और उसके साथ साथ ये सारा किस्सा और ये सारा वाकया हो गया. तो अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, आज की वीडियो खत्म करते हैं. अगर वीडियो पसंद आ रही है शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग कौन सी कंट्री देखना चाहते हैं जहां पे हम लोग जाएं और विजिट करें, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाएं. तो चलते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे.